हाँ तुम्हें पूजा की थाली आई रात सुहागन वाली। तो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। भारतवर्ष में सुहागन मिलना है अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए। तमाम तरह के व्रत और त्योहार करते ही हैं, लेकिन सभी त्योहारों में करवा चौथ का अपना अलग ही महत्व है। सुहागन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ का व्रत है। इस दिन का वे पूरे साल इंतजार करती है। इस साल करवा चौथ 4 नवंबर को पड़ रहा है और अब हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हिंदू महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती है और साथ ही यह व्रत वह कन्याएं भी करती हैं जिनका विवाह सुनिश्चित हुआ है या फिर वह विवाह के योग्य हो गई। सुयोग्य पति की कामना में कुमारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत बड़े उत्साह और श्रद्धा से करती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का यह व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर यानी बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्त चतुर्थी व्रत महं करिष्ये। तो आपको बता दें कि इस साल करवा चौथ व्रत पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक का रहेगा। इस दिन चंद्रोदय रात लगभग 8:16 पर होगा। कहते हैं कि जो स्त्री सच्चे मन और निष्ठा से प्राचीन विधि विधान के साथ करवा चौथ के दिन उपवास करती है उसके पति का हित होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की उपासना करने वाली स्त्री के पति की दीर्घायु होती है। यह व्रत रखने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो सुहागन स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती हैं, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस व्रत को प्राचीन समय से किया जा रहा है। विशेष तौर पर उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में करवा चौथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि इस साल करवा चौथ 4 नवंबर यानी बुधवार को मनाया जाएगा। तो एक बार आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।